हेलो गाइस, तो यार कैसे हैं आप सभी लोग। तो वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड ऑफ GTA 5 सीरीज। तो यार आज ना मैं फिर से करने वाला हूँ एक और GTA 5 का बहुत ही शानदार मिशन। तो यार अभी ना मैं जा रहा हूँ लेमार के पास, क्योंकि उसने मेरे को अभी बुलाया है भाई मेरे पुराने वाले घर पे। और भाई मेरे पास ना मेरी महिंद्रा थार और भाई स्विफ्ट दोनों ही नहीं है, दोनों की दोनों बैनी के पास थोड़े बहुत काम के लिए। और मेरे पास ना भाई महिंद्रा की स्कॉर्पियो जो मैंने हाल ही में इम्पोर्ट करवाई थी। और भाई इस गाड़ी के साथ ना मैंने थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन किए, इसके अंदर ना मैंने पुलिस का सायरन लगा दिया और भाई इसके अंदर मैंने इंडियन के स्टाइलिश एलॉय भी लगा दिया। और भाई ये गाड़ी ना अंदर से भी दिखने में बहुत ही शानदार दिख रही है और जितने बाहर से ना और भी शानदार दिख रही है। तो ये आप जल्दी से इसी को लेके चलते हैं भाई अपन लेमार के घर पे। और भाई ये वाली गाड़ी जब से मैंने अपने घर के सामने पार्क की ना भाई, सब लोग ना भाई बार बार इसके साथ फोटो लेके जा रहे हो। और भाई सब पूरी की पूरी ये जो कार है ना भाई, पूरे के पूरे लॉस सैंटोस में सिर्फ अपने पास है। और ये कार के लिए ना भाई सब लोग बार बार मुझसे पूछ रहे हैं भाई ये कौन से ब्रांड की कार है और भाई ये कहाँ मिली। मैंने सबको बोला भाई ये इम्पोर्ट करवाइए, और भाई मैंने बेनी का नंबर दे दिया सबको, क्योंकि भाई बेनी ने इस कार को मेरे लिए इम्पोर्ट करवाया था इंडिया से। और भाई अगर आप लोग भी स्कॉर्पियो फैन हो ना तो भाई नीचे लिख दो भाई स्कॉर्पियो ओपी, कमेंट सेक्शन पूरा स्पैम कर दो स्कॉर्पियो ओपी से। तो भाई अब जल्दी से अपनी भाई महिंद्रा थार ठोकना मत देना भाई, यार बड़ी मुश्किल से अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो बची वरना तो ठोक दो। चलो भाई सायरन ऑन करते हैं और भाई इस गाड़ी का फुल मज़ा लेते हैं। और भाई अब देखते हैं कौन अपने सामने रुकता है। वैसे ना ये वाली कार के सामने इंडिया में कोई नहीं रुकता, तो यहाँ पे कौन ही रुकेगा। तो वैसे ना अभी पुलिस सायरन की वजह से सब लोग इधर उधर हो जा रहे हैं और भाई मैं तो सिग्नल के पे रुकने भी नहीं वाला, क्योंकि भाई सबको लग रहा है कि अपन पुलिस वाले हैं। हालांकि ये इलीगल मोड है इसके अंदर, पर भाई कोई दिक्कत नहीं, अपन भाई सायरन से अपन को क्या ही फ़र्क पड़ना है, पुलिस तो अपन को ढूंढ ही नहीं पाती वैसे भी। चलो भाई अब जल्दी से ना भाई मेरे को पुराने वाले घर की तरफ जाना है, क्योंकि भाई वहाँ पर ना अपना लेमार फ्रेंड भी, और वहाँ पर ना उसने मेरे को बताया भाई लेस्टर भी आया है और उसको ना पूरा ग्रोव स्ट्रीट पे कुछ जाके थोड़ी बहुत डील करनी है किसी बंदे से। हालांकि वो थोड़ा सा डर है क्योंकि उसके पास ना बहुत सारा कैश है ऐसा बोल रहा है वो। हालांकि अभी लास्ट मिशन में जब उसने अपनी मदद की थी लेस्टर के साथ भाई, उसको थोड़ा बहुत कट मिला था। हालांकि इसी से वो कुछ ना कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करने वाला, वो ग्रोव स्ट्रीट पर जा रहा है तो भाई पक्का कोई लीगल बंदा से वो बाय करने जा रहा है। तो मैंने सोचा भाई मैं भी जाता हूँ। और भाई अपने स्कॉर्पियो तो देखो भाई सामने से क्या ही मतलब नेक्स्ट लेवल लुक लग रहा है। और भाई यहाँ पे एक चेक पॉइंट रखते हैं, अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में जाके स्कॉर्पियो ओपी लिख देना। और भाई जाके अपना इंस्टाग्राम चैनल को भी ना भाई प्लीज़ वहाँ जाके उसको भी फॉलो कर लेना और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और ऐसी ऑसम वीडियोज़ के लिए। तो भाई मैं है ना अभी अपने पुराने वाले घर की तरफ आ चुका हूँ और यहाँ पर ना भाई अभी देखते भाई यहाँ पे क्या हाल है। भाई वैसे ना ये तो ऐसा लग रहा है कि मैं अभी कल ही आया था और यहाँ पे तो सब नॉर्मल दिख रहा है, कुछ चेंज नहीं हुआ। अब जल्दी से ना अब बात करते हैं भाई लेमार से। लेमार ना मेरे पुराने वाले घर के अंदर ही रुका हुआ है चॉप के साथ। तो हाल अभी ना भाई मैं अपने चॉप को भी अपने साथ नए वाले घर पर रख लूँगा, क्योंकि भाई यहाँ पर ना ये जो लेडी है भाई ये बिल्कुल नहीं चाहते कि चॉप इस वाले घर पर रहे। तो अभी ना भाई अपन मैं चॉप को भी अपने साथ वाले घर पर ले जाऊँगा और वहाँ पर उसके लिए एक डॉग हाउस अच्छा सा बना दूंगा, ताकि ना वो आराम से वहाँ पर उस घर में रह सके। तो भाई देखो ड्राइवर भी आ गया, ड्राइवर बोल रहा है भाई जल्दी करो वहाँ पे जाके थोड़ा सा अपन को डील करें। तो भाई मैंने स्कॉर्पियो को लॉक कर दिया, देखो अपनी स्कॉर्पियो तो यही रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। और देखो ड्राइवर और जो अपना चॉप है भाई पीछे बैठ चुके हैं। और भाई जब से दोनों आए हैं ना भाई बस दो ही बात कर रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास गन्स कितनी और गोलियाँ भर भर के है कि नहीं। भाई मेरे को कुछ समझ नहीं आ रही है, ग्रोस स्ट्रीट पे जाके वहाँ पे क्या कत्लेआम करने वाले या फिर भाई डील करने वाले। भाई ड्राइवर साथ में तो भाई गुस्से का थोड़ा सा देखना पड़ेगा, कहीं ये भाई गुस्से में आके किसी को गोली ना मार दे। भाई वैसे क्या रेड कलर की कार थी। तो भाई ग्रोस स्ट्रीट पे ना भाई वैसे अभी अपने कोई कॉन्टेक्ट नहीं, वैसे अपन और ग्रोस स्ट्रीट की बहुत ही पुरानी लड़ाई है, फिलहाल ना अपन डील वील कर सकते हैं, इतनी बड़ी भी नहीं है। लेकिन ये एरिया उनका है तो भाई यहाँ पे संभल के रहना पड़ेगा। और भाई ये अभी लेमार ने मेरे लिए अपनी MP5 पिस्टल भी मेरे को दे दी है और बोला है भाई कुछ भी गड़बड़ दिखे तो इससे सीधा सबको ख़त्म कर दे। तो भाई मैं आ गया हूँ मीटिंग पॉइंट पे, अब जल्दी से ना भाई अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या है दिक्कत है। भाई देखो अपना चॉप भी आगे जा रहा है, सूंघते सूंघते अगर कोई बम बम लगा हुआ तो वो यहाँ पे देख लेगा। तो भाई देखो अपना ड्राइवर के पास भी ना बंदूक है पक्का, मेरे को अलग ही दिख रहा है उसके पास एक शॉटगन रखी हुई है। तो अब जल्दी से भाई इस बंदे से बात करते हैं जिस बंदे से अपन डील करने आए। तो भाई देखो लेमार बोल रहा थोड़ा शांत रहो, अगर कोई दिक्कत हो गई तो भाई वो भगा देगा बाहर। तो भाई यार ये देखो यही वो बंदा है, अब देखते भाई डील कैसे करता है। तो देखो लेमार को वो बोल रहा है पैसे, तो भाई बात करो। तो भाई देखते हैं लेमार कैसे डील करता है। तो देखो लेमार पैसे दिखा रहा है इसको, अब बस मेरे को वेट करना है कि ये किस तरह की डील है, वेपन्स डील है या ड्रग डील है। तो भाई तो ये तो भाई ड्रग डील है,
पक्का ना भाई लमार इससे और पैसा बनाने का सोच रहा है। तो अब जल्दी से नहीं लमार इसको चेक करता है कि सही है कि नहीं, और फिर ब्लॉक को लेके चलते पूरे सामान को भाई अपने बेस पे। तो अब देखो यार ड्राइवर को कुछ तो गड़बड़ लग रही है, पक्का भाई ड्राइवर जिस तरीके से देख रहा है ना भाई पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है भाई। लेकिन मैं इन सबसे बोल रहा हूँ कुछ ना कुछ यहाँ पे डाउट लग रहा है, तो जल्दी से चलो भाई। अब ड्राइवर बोल रहा है कि इसको पूरी की पूरी ब्रिक्स देखनी है, तो अब देखते हैं भाई क्या होता है भाई। ये दोनों तो लड़ने लगे, मैंने इसको ड्राइवर को पहले ही बोला ओ वेट यार ये देखो यार ड्राइवर को ना पक्का शक था। और देखो भाई ड्राइवर ने बोला तो बस इसके अंदर एक जरा सा सैंपल रखा हुआ था, ये पक्का धोखा दे रहा था भाई। ये देखो इसने तो अपने बंदों को बोल दे कि अपन इसको मारने है। ओ शिट यार ये पक्का ना भाई बहुत गंदा धोखा दिया इसने। चलो भाई अपनी गन निकालते हैं और भाई सबसे पहले इसी बंदे को मारता हूँ। मेरे ऊपर गोलियाँ चला रहा है मेरे और मेरे दोस्तों के ऊपर, इन दोनों को तो मैंने भर दिया और भाई इन सबको भर दिया। गाड़ी के ऊपर बमबारी कर देते हैं ताकि ये बाहर निकलने से पहले खत्म हो जाए। भाई मैंने सारे के सारे लोगों को भर दिया और यहाँ पर ना भाई आते ही जा रहे हैं, जैसी गन्स की आवाज़ सुनी ना भाई सब के सब अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। और भाई ड्राइवर ने तो एकदम कवर ले लिया, पर लेकिन भाई अपने पास बॉडी आर्मर है, अपन को कोई टेंशन नहीं, अपन तो ये लमार की दी हुई MP5 से सबको ही खत्म कर देंगे। अपने पास तो सम्प्रेसर तो भाई कोई टेंशन नहीं, एकदम सटीक निशाना लगे एकदम हेडशॉट। तो भाई देखो क्या पर्पल कार लेके आया अपन को मारने के लिए, और भाई यहाँ पर मैंने दोनों की दोनों गाड़ियों को मार दिया। लेकिन ये पर्पल कार से एक मतलब बाहर निकल गया और भाई सब मेरे को ही मारने लग गए। तो भाई मैंने ग्रेनेड फेंक देता हूँ और भाई देखते भाई क्या होता है। भाई मेरे को ग्रेनेड तो फेंक दिया और भाई लमार तो सीधा निकल रहा है, उसको पैसे बचाने, क्योंकि अगर ये हाथ से गए ना तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी। भाई पीछे से भी आ रहे तो अपनी शॉटगन निकालता हूँ और भाई सबको ही खत्म कर दूंगा। तो भाई मैंने इन सबको मारा, पता नहीं इतने लॉन्ग रेंज पे लग नहीं रहा, तो एक काम करते पास जाता हूँ और भाई सबको मार देता। भाई दोनों का तो सर ही फोड़ दिया और भाई सारे के सारे बंदों का तो मैं सर ही फोड़ रहा हूँ शॉटगन से। एक बंदा इसके कवर के पीछे, इसको भी खत्म कर दिया, इसको तो भाई अपने ड्राइवर ने ही खत्म कर दिया। चलो भाई अपन बचा कुचा भी खत्म कर देते हैं। तो भाई यहाँ पर एक बंदा है जो मेरे पर गोलियाँ मार रहा है, पर मैंने इसको तो सीधा हेडशॉट बजा दिया अपनी शॉटगन। देखो भाई ड्राइवर अपनी शॉटगन निकाल लिया अपना साथ देने के लिए। तो भाई अब जल्दी से ना सीधा इस कुछ बच्चे कुछ बंदों को ख़त्म करते और निकलते भाई अपने बेस पे। भाई ये बंदों ने तो भाई अपने साथ बहुत बड़ा धोखा किया। अब ना भाई उस बंदे को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि वो तो लड़ने आया नहीं, मतलब वो पीछे के रास्ते से भाग चुका है। भाई देखो यहाँ पर ना भाई मेरे को पुलिस के सायरन सुनाई दे रहे हैं, मतलब भाई पुलिस भी यहाँ पे आने वाली है। तो यार पुलिस आए उससे पहले यहाँ से निकलते हैं, वरना भाई बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि पुलिस से अपन नहीं निकल सकते, क्योंकि भाई उनके पास हेलीकॉप्टर भी और बहुत सारी गाड़ी। तो भाई पुलिस भी आ चुकी है, अब जल्दी से ना यहाँ से देखते भाई मैं इन सबको तब तक खत्म कर, तब तक लमार यहाँ से निकलता। तो भाई लमार बोल रहा मेरे पीछे आओ, हालांकि भाई पता नहीं क्या करने वाला, अपनी गाड़ी तो पीछे रखी हुई है वैन जो भाई यहीं पे छूट जाएगी। चलो कोई नहीं, यहाँ पे देखो तीन गाड़ियाँ हैं। एक सेकंड, ये बंदा ना पक्का इसीलिए पुलिस को फ़ोन किया होगा, जल्दी से इसको भी ख़त्म कर देते। भाई पुलिस को फ़ोन कर दिया और भाई धोखा भी दे दिया अपन को। तो अब जल्दी से भाई पीछे जाते देखते लमार के क्या करना। भाई लमार कहाँ लेके जा रहा है, अब जल्दी से बंदूक अंदर रखते तेज भागते हैं। भाई ये क्या जेट्स की, भाई नाले में कौन जेट्स की चलाता है यार। चलो कोई नहीं, अपन को तो भागने का मिल गया, इस बंदे को जल्दी से मारता हूँ और भाई जेटस्की पे लेके भागता हूँ इससे पहले भाई पुलिस यहाँ पर आ जाए। अब जल्दी से भाई इस जेटस्की को स्टार्ट करते हैं और भाई लेके चलते हैं यहाँ से। और भाई लमार बोल रहा है बस भागो तुम यहाँ से, कोई भी दिखे बस अपनी इस जेटस्की रोकना मत, वरना थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। चलो भाई लमार की बात मानते हैं और भाई भगाते हैं। और भाई ये देखो ये तो लोग ब्लू स्ट्रीट गैंग के बंदे यहाँ पर भी आ गए। चलो एक काम करते मैं ड्राइवर को ही मार देता हूँ, क्या ही चलाएंगे गाड़ी। लेकिन भाई गाड़ी तो सीधी जा रही है अभी भी, मतलब यार ये गाड़ी ना पक्का ड्राइवर स्टीयरिंग पे ही जाके मर गया। कोई टेंशन नहीं, अपन सीधा आगे जाते हैं और देखते हैं क्या अपन निकल सकते हैं। नहीं भाई पुलिस के हेलीकॉप्टर्स आ गए यार, शिट ये हेलीकॉप्टर्स ना भाई अब पक्का बहुत तंग देंगे। भाई काम करता हूँ इसके इंजन के ऊपर ही गोलियां मारता हूँ ताकि नहीं मेरा पीछे छोड़ दे, लेकिन मैं एम ही नहीं कर पा रहा हूँ। भाई यहाँ पे पानी के ऊपर चलाना गाड़ी बहुत ज़्यादा मुश्किल जेट्स की, और भाई देखो इंजन से तो धुआं आने लग गया उसका, अब किसी भी वक्त ये पक्का क्रैश हो जाएगा। लेकिन यार ये लोग मेरे को गोलियां मारने नहीं दे, थोड़ी बहुत और गोलियां मारूंगा ना तो पक्का ये क्रैश हो जाएगा। और भाई देखो मैं एंगल बिल्कुल नहीं ले पा रहा हूँ, और भाई जेट्स की मैं फ्रैंकलिन की एबिलिटी भी यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। चलो एक काम करते हैं ब्रिज के नीचे से जाते हैं, एक बार ट्राई करते हैं, अगर मार पाया तो भाई अपना पीछा यहीं पर छूट जाएगा। और भाई मैंने तो यहाँ पर ठोक दी यार इससे पहले ये बंदा मेरे को मारे, ख़त्म करते हैं इसको। भाई ये देखो यार ये एम ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं, और भाई ये तो इन दोनों के ऊपर एम कर रहा है। तो भाई लमार बोल रहा है कि यहाँ से आगे ना भाई पूरा खुला समंदर है, तो भाई बढ़ जाओ और भाई पुलिस को छुड़ा के ना भाई अपने मीटिंग पॉइंट से थोड़ा सा दूर मिलो जहाँ पे अपन ने डिसाइड किया था। तो अब जल्दी से भाई यहाँ पे तो सब लोग इस तरफ जा रहा है, भाई ड्राइवर उस तरफ चला गया लमार। अब एक काम करते अपन बोट के पीछे जाके छुपने की ट्राई करते हैं, सॉरी शिप के पीछे छुपने की ट्राई करते हैं। भाई इतनी बड़ी बोट को, इतनी बड़ी शिप को बोट बोलना भाई बहुत ही बेकार है। तो भाई देखो इंजन तो इसका काम करना बंद कर दिया है, लेकिन यार यहाँ पे ना दूसरा हेलीकॉप्टर भी आ गया और भाई वो मेरे ऊपर कंटिन्यूसली फायर कर रहा है। तो एक काम करता मैं इस वाले शिप के साइड में जाके छुप जाता हूँ ताकि वहाँ हेलीकॉप्टर ना आ पाए और भाई अपन यहाँ से बच के निकल जाए।
और भाई है पुलिस वाले ना भाई मेरे को बोल रहे कि भाई अपने आपको सरेंडर कर दो वरना भाई तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। चलो भाई इन लोग को भी बताते भाई अपन भी फ्रैंकलिन ने कोई कच्ची गोलियाँ नहीं खेली अपन ने। चलो जल्दी साहब यहाँ पे छुप जाते हैं क्योंकि यहाँ पे हेलीकॉप्टर आराम से है ना आ नहीं सकता और भाई वो देख भी नहीं पाएगा, तो अपन यहाँ से सेफ है। लेकिन यार यहाँ पर ना पक्का बोट आ रही है, मेरे को साउंड आ रहा है बहुत भयंकर कि आप एक बोट आ रही है पेट्रोलिंग के लिए। हेलीकॉप्टर नहीं आ सकती तो क्या हुआ भाई, बोट तो आ सकते हो भाई, आ गई भाई मेरे को लगा ही था। चलो भाई इसको भी ख़त्म करते हैं और भाई यहाँ से निकलते हैं। इन दोनों पुलिस वालों को मैंने मार दिया भाई, जल्दी से ना अपनी जेट स्की को लेकर चलते हैं। भाई देखो यार हेलीकॉप्टर भी एंगल लेके मेरी तरफ किसी ना किसी तरीके से फायर करने लग गया। अब है ना भाई जल्दी से ना यहाँ से बचते बचाते दूसरी तरफ चलते हैं इस शिप के, और भाई वहाँ पर ना बस पुलिस के जाने का वेट करते हैं। वहाँ पर मैं छुप जाऊँगा उन लोग को लगेगा भाई शिप के नीचे आके मर गया। और भाई देखो ये वाले बोल तो मैं के भी बंदों को मैंने मार दिया पुलिस वालों को, और भाई काम करते ग्रेनेड से इसको फोड़ने की कोशिश करते, तो मैंने ग्रेनेड फेंक दिया। लकीली लग जाए तो भाई बहुत अच्छा होगा अपने लिए, देखते लगता है कि भाई ये तो फूटा ही नहीं। और भाई हेलीकॉप्टर ने मेरे को देखने से पहले मैं इसके अंदर आ जाता हूँ, भाई हेलीकॉप्टर ने देखा ही नहीं देखा मुझे नहीं पता, बस यार मैं यहाँ पर आके छुप जाता हूँ और भाई वेट करता हूँ पुलिस के छूटने का। तो गाइस यहाँ पे ना पुलिस अभी जाती हुई दिख रही है, और भाई यहाँ पर ना अभी मेरे को लग रहा है कि पुलिस वाले जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे बोट आ रही है। और भाई मैंने बोट के बंदों को मार के ना यहाँ से निकल गया, और भाई हेलीकॉप्टर जा चुके थे, बस ये बोट तो पेट्रोलिंग कर रही थी। अब जल्दी से यहाँ पर अपने इस जेट स्की को रखते हैं और भाई जल्दी से चलते अपने मीटिंग पॉइंट की तरफ, और भाई वहाँ जाके ना लेमार को बताते हैं भाई इसने भाई बदला लेना पड़ेगा लेमार को इससे, वरना ये आगे जाके भी बहुत बड़ी गलती कर सकता है अपन से भिड़ने की। और भाई यहाँ पर ना ट्रेवर अभी बहुत ज़्यादा ही गुस्से में कि भाई उसके दोस्तों के साथ ऐसा किया, और भाई आज ना भाई अपन तीनों की जान जाते जाते बची, वो तो अच्छा है भाई असला बारूद लेके गए थे इसलिए भाई बच गए, मैं तो भाई अपनी पिस्टल लेके आया था, अगर भाई लेमार ने अपनी MP5 मेरे को नहीं दी होती तो भाई आज तो भाई मैं वहाँ गया था। तो भाई अभी ना आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू वीडियो में। तो प्लीज़ यार उस वीडियो के लिए ना अगर आपको जानना है कि कब आने वाली तो भाई उसके लिए नोटिफिकेशन बेल दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और भाई अपने इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लो, रोज़ एक नई वीडियो आएगी। तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करना। मैं मिलता हूँ यार आपसे नेक्स्ट वीडियो में।